एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज एंड पैरेलल के अंदर ये बताया गया है, या फिर क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि इफ सेवरल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज या पैरेलल, बहुत सारे कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं, शो दैट एनर्जी स्टोर्ड विल बी एडिटिव इन आइदर केस। मतलब सिंपल वर्ड्स में ये बात प्रूव करो कि आपके घर में दो टैंक हैं पानी के, आपको मार्केट में टैंक लेने के लिए भेजा तो 1000 लीटर के दो टैंक आपने फिट कर लिए, लेकिन कोई स्टूडेंट को एक ही टैंक मिला 2000 लीटर का, तो वो चाहे 2000 लीटर लगाए चाहे 1000 के दो टैंक लगाए, बात एक ही है। इसको एनर्जी की फॉर्म में अगर करें तो ऐसा इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज एंड पैरेलल में आप कैसे भी, चाहे सीरीज में कैपेसिटर लगा लें चाहे पैरेलल में लगा लें, अगर मान लो तीन कैपेसिटर सीरीज में, हर के पास एनर्जी स्टोर्ड 10 जूल 10 जूल 10 जूल है, और तीन की जगह अगर एक कैपेसिटर हो तो उसकी एनर्जी 30 जूल होगी, एनर्जी कंजर्वेशन शो करना है। बिल्कुल वैसे अगर वो पैरेलल में भी है, पैरेलल के अंदर भी इंडिविजुअल एनर्जीज 10 10 10 जूल है, तो टोटल एनर्जी 30 जूल ही होगी, ये एनर्जी कंजर्वेशन प्रूव करें। तो इसको करने के लिए पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में एनर्जी के आपके पास तीन फार्मूलाज हैं। अब स्टूडेंट पूछता है कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये कैसे पता लगेगा? आप प्रेफर करें, देखो रूल नहीं है, रूल तो है जो मर्जी लगाएं, आप प्रेफर करें कि एनर्जी का फॉर्मूला हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी लगाएं जब सीरीज कॉम्बिनेशन हो। क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्यू की वैल्यू क्या होगी इसमें, सेम। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप फॉर्मूला लगाएं हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि इसमें चार्ज नहीं आता और पैरेलल में वी की वैल्यू रिमेंस सेम, तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाएं, सी वी स्क्वायर लगाएं। हालांकि लगाएं जो मर्जी, फर्क नहीं पड़ता, पर प्रेफर करें, जल्दी आंसर आएगा। जैसे आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, C1 C2 C3 सीरीज में है, अफेक्टिव कॉम्बिनेशन CS है, तो एनर्जी का फॉर्मूला हाफ क्यू स्क्वायर बाय CS है। लेकिन सीरीज के अंदर 1/CS क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो 1/CS की जगह 1/C1 1/C2 1/C3 इन्हें मल्टीप्लाई करें, तो ये इंडिविजुअल एनर्जी आ गई फर्स्ट कैपेसिटर की, सेकेंड की, थर्ड की। चार्ज का चक्कर ही कोई नहीं है क्योंकि कॉम्बिनेशन सीरीज में है और सीरीज में चार्ज की वैल्यू रिमेन्स सेम, कोई डाउट इसमें? तो ये आपके पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, कोई डाउट इसमें? सेम चीज अगर पैरेलल में हो, पैरेलल में अगर तीन कैपेसिटर्स हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CP है, तो टोटल एनर्जी एक कैपेसिटर की हाफ CpV² है। CP का फॉर्मूला पैरेलल में C1 C2 C3 है, आप उठा के यहाँ पे पुट कर दें, इसे ओपन कर लें, V की वैल्यू सेम रहती है इंडिविजुअल भी और कॉम्बिनेशन में भी, तो ये U1 U2 और U3, तो एनर्जी कंजर्वेशन सीरीज में एंड पैरेलल दोनों में वैलिड है। तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये टॉपिक सिर्फ ये बताता है।